बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में करीब 50,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। इसके लिए राज्य सरकार भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। साथियों, आप सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें पारंपरिक ज्ञान से लेकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक को समान रूप से महत्व दिया गया है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। एक और बहुत बड़ा काम हुआ है मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर। अंग्रेजी न जानने वाले अनेकों छात्रों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाई ना कराकर एक तरह से बल दिया गया है। देश की शिक्षा व्यवस्था में ये बहुत बड़े बदलाव का आधार बनेगा। साथियों, जब सकारात्मक सोच, सही नियत, पूर्ण निष्ठा के साथ निर्णय होते हैं तो पूरा वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। अमृतकाल के पहले वर्ष में ही 2 बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई है। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। कुछ दिन पहले एक और रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष फाइल होने वाली इनकम टैक्स रिटर्न की संख्या भी दूसरा महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। पिछले 9 वर्षों में लोगों की औसतन आय में भारी बढ़ोतरी हुई है। आईटीआर के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में जो औसत आय एवरेज इनकम करीब 4 लाख रुपए थी वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए हो गई है। भारत में लोअर इनकम से अपर इनकम ग्रुप में जाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। ये आंकड़े उत्साह बढ़ाने के साथ साथ इस बात का यकीन भी दिलाते हैं कि देश के हर सेक्टर को मजबूती मिल रही है और रोजगार के अनेक नए अवसर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। साथियों, आयकर रिटर्न के नए आंकड़ों में एक और बात नोट करने वाली है, वो ये कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा निरंतर बढ़ रहा है।
इस वजह से देश के नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उसके टैक्स की पाई पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है। उन्हें साफ दिख रहा है कि 2014 से पहले जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था, गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। साथियों, सिस्टम से लीकेज रुकने का एक परिणाम ये भी हुआ है कि सरकार गरीब कल्याण पर पहले से कहीं ज्यादा खर्च कर पा रही है। इतने बड़े पैमाने पर हुए इन्वेस्टमेंट ने भी देश के कोने कोने में रोजगार का निर्माण किया है। जैसे एक उदाहरण कॉमन सर्विस सेंटर का है। 2014 के बाद से देश के गांवों में 5 लाख नए कॉमन सर्विस सेंटर बने। प्रत्येक कॉमन सर्विस सेंटर आज कई कई लोगों को रोजगार दे रहा है, यानी गांव गरीब का कल्याण भी हुआ और रोजगार के मौके भी बने। साथियों, आज देश में शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार, इन तीनों ही स्तरों पर दूरगामी नीति और निर्णय के साथ अनेक विध इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, अनेक विध काम हो रहे हैं। इस 15 अगस्त को मैंने लाल किले से पीएम विश्वकर्मा योजना की भी घोषणा की थी। ये योजना भी इसी विजन का प्रतिबिंब है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। इससे समाज का वो वर्ग लाभान्वित होगा जिनके महत्व की चर्चा तो होती थी लेकिन उनकी स्थिति बेहतर करने का कभी ठोस प्रयास नहीं किया गया। विश्वकर्मा योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेनिंग के साथ ही आधुनिक टूल्स खरीदने के लिए वाउचर भी दिए जाएंगे। यानी पीएम विश्वकर्मा से युवाओं को अपना हुनर निखारने का और ज्यादा अवसर मिलेगा। साथियों, आज जो महानुभाव शिक्षक बन रहे हैं, उनसे मैं एक और बात करूंगा। आप सभी कड़ी मेहनत से यहां तक पहुंचे हैं, आगे भी आप सीखते रहने की प्रवृत्ति जारी रखें। आपकी मदद के लिए
सरकार ने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आई गॉट कर्मयोगी तैयार किया है। इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का प्रयास करें। मैं आपको और आपके परिवार के लोगों को इस नई सफलता के लिए, इस नई यात्रा के लिए, अब सपनों को सिद्ध करने का एक उत्तम अवसर मिला है तब अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद। तो पीएम मोदी ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जुड़े, तो ये बड़ा आयोजन, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए शिक्षकों को दी गई एमपी में। अब अगली खबर का रुख करेंगे दिल्ली से। बड़ी खबर, एमपी में ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सहमत। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर रखी है। बड़ी खबर है दिल्ली से, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर एक सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2019 में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करेगा। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर रखी। ओबीसी आरक्षण पर जल्द अब संभव की सुनवाई आगे बढ़ेगी और फिर आशा की जा सकती है कि जल्द इस पर कोई नतीजा भी आ जाए ओबीसी आरक्षण पर, चूंकि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण बड़ा सियासी मसला रहा है। दोनों बड़े सियासी दल मध्य प्रदेश के इस पर ओबीसी, खुद को ओबीसी का हितैषी बताने की कोशिश करते रहे और अब मसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट अगर जल्द सुनवाई करता है तो फिर नतीजा भी जल्द इस पर आ सकता है। ये बड़ी खबर है कि ओबीसी आरक्षण और खासतौर से चुनावी साल में ओबीसी आरक्षण मसला अगर नतीजे आते हैं तो फिर और बड़ा कुछ सियासी मसले में ये तब्दील हो सकता है। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा, तो एक सप्ताह के भीतर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने, आपको याद दिला देंगे, 2019 में नौकरियों और शिक्षा में ओबीसी आरक्षण में 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था। हालांकि इस फैसले पर, राज्य सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई एक हफ्ते के भीतर करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर अर्जी भी दाखिल कर रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर जल्द सुनवाई करता है तो संभव है कि इस पर नतीजा भी या कोई आखिरी फैसला भी जल्द आ जाए। लेकिन आशा जरूर बनती है सुप्रीम कोर्ट के एक हफ्ते के भीतर सुनवाई शुरू करने के सहमति से, मध्य प्रदेश में यह बड़ा सियासत का अखाड़ा रहा। न्यूज 18 संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से और जानकारी के साथ। अनुराग, ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, अगर हम सियासी मसला कहें तो गलत नहीं होगा, और चुनावी साल में बहुत हद तक सियासत का रुख भी मोड़ सकता है अगर नतीजा कोई निकलता है सुनवाई के बाद, अनुराग? बिल्कुल प्रशांत, देखिए ओबीसी का मुद्दा जो है प्रदेश की सियासत में जमकर छाया हुआ है और सबसे बड़ी वजह है कि राज्य सरकार ने सरकारी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण देने का ऐलान किया है, लेकिन
हाईकोर्ट की रोक के कारण कई विभागों में, स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर कई विभागों में भर्ती प्रक्रिया पर इसका सीधा असर हो रहा है, और राज्य सरकार भी चाहती थी कि इस मामले को लेकर जल्द से जल्द समाधान हो, और अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को में अब जल्द से जल्द सुनवाई करने का फैसला किया है, तो निश्चित तौर पर एक हफ्ते के अंदर इस मामले को लेकर समाधान हो जाएगा कि जो बाकी विभाग हैं उनमें सरकारी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल सकेगा। दूसरे वर्गों की भर्ती परीक्षा में 27% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन 3 से 4 विभाग ऐसे हैं जहां पर 27% ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, और इसी वजह से प्रदेश की सियासत भी गर्म है। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा तो निश्चित तौर पर जल्द से जल्द फैसला आने की उम्मीद रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। एक और बड़ी खबर है दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्यमंत्री युवा अन्नदाता अन्न दूत योजना की वैधानिकता का सुप्रीम कोर्ट परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया है इस संबंध में। कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियन ने मध्य प्रदेश सरकार की योजना को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और न्यूज 18 संवाददाता सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट में युवा अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को चुनौती दी गई है वैधानिकता पर, क्या आधार रखा गया है, क्या बिंदु रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने? आज देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अन्नदूत युवा योजना इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी वैधानिकता को चुनौती देते हुए ये कहा गया है कि राज्य सरकार की ये योजना संविधान के वैधानिकता के खिलाफ है, और इसमें पर्टिकुलर कई जो लोग हैं, कई तबके के लोग हैं, उनको नकार के ही इस योजना को आगे बढ़ाया गया है। इसमें ट्रांसपोर्ट यूनियन के भी तमाम लोगों को उनके रोजगार से अलग करने की प्रक्रिया के तौर पर इसको देखा गया है, और की राज्य सरकार की जो योजना है उसमें कुछ लोगों को ही फायदा पहुंचाने की के तौर पर जो भी योजना है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बहरहाल, इससे पहले इस योजना को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरी याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये चूंकि एक सरकारी योजना है, लिहाजा इस पूरे मामले में हाईकोर्ट कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है, और उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में तथ्य रखे गए और ये कहा गया कि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में याचिकाकर्ताओं को पूरे तौर से नहीं सुना है, लिहाजा इस पूरे मामले में राज्य सरकार की योजना का परीक्षण करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि तमाम इस वर्ग के लोग जो है इस योजना के अंतर्गत नहीं शामिल हो रहे हैं, लिहाजा इस योजना को खारिज किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट फिलहाल इस योजना पर अब कहीं ना कहीं सुनवाई को तैयार हो गया है, और उसने मध्य प्रदेश सरकार से उनका जवाब मांगा है कि जो सरकार की योजना है उस योजना में सुनवाई शुरू हो गई। सुशील, स्वाभाविक है कि भाई अब सरकार भी इस मामले में अपनी दलील जरूर रखेगी। शुक्रिया सुशील पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की संयोजक की बैठक, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर बैठक ले रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर ये बैठक हो रही है। जन आशीर्वाद यात्रा की प्रदेश टोली और ग्वालियर चंबल टोली के पदाधिकारी मौजूद हैं। जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र सिंह, अश्विनी वैष्णव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद। ये बड़ी खबर ग्वालियर से, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त ग्वालियर में बैठक ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक है। जन आशीर्वाद यात्रा की प्रदेश टोली और ग्वालियर चंबल टोली के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। सुशील कौशिक न्यूज 18 संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, क्या चर्चाएं इस बैठक में, क्या एजेंडे जिन पर चर्चा? बिल्कुल, देखिए, आज मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा की जो कमेटियां बनी हैं उनकी बैठक हुई है। जो टोलियां बनी है उनमें प्रदेश की टोली के साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग की जो टोली बनाई गई है जन आशीर्वाद यात्रा के संचालन के लिए, उसकी बैठक हुई है। और बैठक जो है मध्य प्रदेश बीजेपी की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने ली है। इनके साथ ही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, साथ ही वीडी शर्मा भी। इस बैठक में मुख्य तौर पर यही है कि जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो भव्य तरीके से निकाली जाएगी, ऐतिहासिक तरीके से निकाली जाएगी, और
नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि जो जनाशीर्वाद यात्रा निकलेगी उस जनाशीर्वाद यात्रा से लोगों में एक तरह से करंट आएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का और भाजपा की सरकार बनने की संभावना है और ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही उन्होंने जो टोलियाँ थी और जो पदाधिकारी आए थे उनको अपने अपने इलाके में जो प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं उन प्रत्याशियों के लिए जनसमर्थन जुटाने के साथ ही पार्टी के लिए बेहतर काम करके सरकार बनाने की दिशा में प्रयास करने का मंत्र दिया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बैठक थी और नरेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि आगामी 23 अगस्त को संभवतः भोपाल में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश में जो 39 टिकट घोषित किए हैं बीजेपी ने उन सभी के प्रत्याशी भोपाल में जुटेंगे और उनको चुनाव की रणनीति और साथ ही जो उनकी परेशानियां हैं या जो परिस्थितियां बनने वाली आगे उन पर मंथन होगा। तो 23 अगस्त को भोपाल में बड़ी बैठक भी महत्वपूर्ण रहेगी। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया सुशील। आगे बढ़ेंगे और अब खबर भोपाल से, बड़ी खबर है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग डॉक्टर गोविंद सिंह ने की है। सरकार की घोषणा को मतदाताओं को प्रलोभन देने वाला उन्होंने बताया है। नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी के 39 उम्मीदवार घोषित होने पर नई घोषणा पर रोक की मांग की है। तो बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से डॉक्टर गोविंद सिंह कर रहे हैं। दलील है कि 39 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, नामों का ऐलान कर दिया, उसके बावजूद अगर घोषणा होती है तो ये गलत होगा, ये मांग चुनाव आयोग से कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह। ये बड़ी खबर है और आपको याद दिला दें कि हाल ही में बीजेपी ने 39 नामों का ऐलान मध्य प्रदेश में किया है, 39 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि अभी भी चुनाव आचार संहिता लगी नहीं है, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने अपने नामों का ऐलान कर दिया और इसी आधार पर डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सरकार की घोषणाओं पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। और सरकार की घोषणाओं को मतदाता को प्रलोभन देने वाला वो बता रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, चुनाव आयोग को पत्र जरूर लिखा गया आधार बताकर 39 नामों के ऐलान को, लेकिन अभी तक चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई, चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, वाकई ये आधार बनता है? देखिए, चुनाव आयोग को गोविंद सिंह ने पत्र लिखा, लेकिन नियमानुसार जब भी बात आती है तो यही कहा जाता है कि जब आचार संहिता लगती है तो आचार संहिता के बाद किसी भी तरह की चुनावी घोषणाएं नहीं की जा सकती है। लेकिन अब क्योंकि भाजपा और हमेशा ये होता आया है कि जब भी कोई पार्टी अपने प्रत्याशी घोषित करती है तो आचार संहिता के बाद ही घोषित करती है, इस बार भाजपा ने आचार संहिता लगने के करीब 1-1.5 महीने पहले ही सारे अपने करीब 39 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, तो इसलिए बात उठ रही है या इस तरह की बात नेता प्रतिपक्ष इन सभी 39 विधानसभा सीट पर अभी भी बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, तो ये बात उठ रही है कि अगर यहाँ पर नेता जाते हैं या सरकार के प्रमुख जाते हैं और कोई घोषणा करते हैं तो उससे चुनाव प्रभावित होगा, तो इस तरह की मांग उठाई। लेकिन अगर वैधानिक तौर पर देखा जाए तो अभी ये चुनाव आयोग इस पर क्या फैसला लेता है, इस तरह की स्थिति क्योंकि पहली बार बनी है कि आचार संहिता लगने के इतनी पहले इस तरह के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, तो अब ये चुनाव आयोग को ही फैसला लेना है कि इसमें वो क्या कदम उठाएगा। बिल्कुल, वाकई ये देखने वाली बात होगी। तो शैलेंद्र सिंह चौहान न्यूज 18 संवाददाता जानकारी दे रहे थे भोपाल से, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, इंदौर से बड़ी खबर है। शादी कर लौट रहे दूल्हे की हत्या करने वाले बदमाश का घर निगम ने तोड़ दिया है। तिलक नगर क्षेत्र में बदमाश सद्दाम के दो घर निगम ने तोड़ दिए हैं। नगर निगम ने बदमाश सद्दाम का अवैध अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया है। कुछ दिन पहले कनाडिया बाईपास पर भी सड़क पर दूल्हे की हत्या कर दी गई थी। मृतक दीपक कोर्ट मैरिज कर घर लौट रहा था, गाड़ी ओवरटेक करने को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब आरोपी के दो मकानों को गिराया गया, जो अवैध निर्माण है उसे ध्वस्त किया गया है। इंदौर में ये तस्वीरें सामने आई हैं, निगम के मशीनें हैं मकानों को तोड़ती हुई, जो भी अवैध निर्माण इन मकानों में किया गया। और उज्जैन से बड़ी खबर, उज्जैन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु, नागपंचमी के दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु नजर आए। ड्रोन कैमरे से भक्तों के सैलाब का अद्भुत नजारा देखने को मिला। ये तस्वीरें उज्जैन से सामने आई हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं नागपंचमी के दिन,
ये नजारा देखा है। न्यूज 18 संवाददाता अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, वाकई ये तस्वीरें व्यंगम तस्वीरें और लगातार अब भक्त, अगर हम कहें अलग अलग मौकों पर, अलग अलग धार्मिक दिनों पर उज्जैन पहुंच रहे हैं। जी देखिए, लगातार जो है रास्ते ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और महाकाल मंदिर दर्शन करने के लिए अलग से श्रद्धालुओं की व्यवस्था कर रखी है, साथ ही नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अलग से व्यवस्था कर रखी है। दोनों ही अलग अलग कतारें चल रही है श्रद्धालुओं की और लगातार श्रद्धालुओं की जो आस्था है भगवान महाकाल से जुड़ी हुई और उनका जन चलाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दूर दरार से जो श्रद्धालु हैं भगवान महाकाल के दर्शन के लिए और नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए लगातार आते जा रहे हैं और भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। वही शाम 4 बजे जो है भगवान महाकाल के जो है नगर भवन पर निकलेंगे अपनी प्रजा का हाल जानने, उसके दर्शन के लिए भी श्रद्धालु रुके हुए हैं। साथ ही मैं आपको बताऊं कि ये भृंगम दृश्य आप जो देख रहे हैं ये हर सिद्धि मंदिर के आसपास का है और चारधाम मंदिर के इधर का है। यहाँ से जो श्रद्धालुओं को लगातार जो है मंदिर आने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं, भक्त उज्जैन पहुंचे हुए हैं। शुक्रिया अजय आपका पूरी जानकारी के लिए, शुक्रिया। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।